दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देखिए, आज कोई दीपावली का त्यौहार नहीं है, लेकिन वे सभी घर सजे हुए हैं जहाँ पे छठ पर्व मनाया जा रहा है। देखिए, अब नियमता तो लोग गंगा नदी के किनारे जाते थे। जब मेरी माँ थी तो माँ भी गंगा नदी के किनारे जाती थी। छठ पर्व के बारे में बस इतना ही समझिए कि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं। यहाँ पे भक्त और भगवान बिल्कुल आमने सामने होते हैं। यहाँ पे कोई पंडित नहीं होता है। इस पर्व में कोई पंडित जी नहीं होते हैं। भक्त और भगवान, भगवान यानी सूर्य, सूर्य जिससे पूरे सृष्टि का संचरण हो रहा है। सूर्य अगर नहीं उगे तो पूरा सृष्टि समाप्त हो जाएगा, पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। सूर्य की शक्ति की उपासना, सर यही है छठ पर्व। और बहुत कठिन पर्व इसको माना जाता है। कठिन इस सेंस में समझिए कि जनरली लोग 24 घंटे का या 12 घंटे का उपवास करते हैं जनरली। सर ये एक ऐसा पर्व है, इतना कठिन पर्व है, जहाँ पे छठ व्रती जो होते हैं वे 36 घंटे का उपवास करते हैं, 36 घंटे का। और बहुत कठिन पर्व इसको कहा गया है। 36 घंटे तक एक बूंद पानी नहीं पीना, सर बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बीतता है। ये है इस पर्व की महिमा। देखिए, लग रहा है कि दीपावली का त्यौहार है, उस तरफ से आतिशबाजी चल रही है। बहुत अच्छा लगता है। मेरी धर्मपत्नी और बेटा जो है सो पड़ोसी के यहाँ गए हुए हैं, और मैं चूंकि इधर जो थोड़ा सा रूटीन में परिवर्तन हुआ है उसके हिसाब से मैं घर पे ही हूँ। कल का मैच इंडिया हार गया, कोई बात नहीं, गेम है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन विश्व कप का फाइनल मैच तक इंडिया पहुंचा, ये भी बहुत बड़ी बात थी। चलिए, आज से फिर लाइव शुरू हो जाएगा। हम लोग मिलेंगे रात 9 बजे। इस लाइव के बारे में जितने नए लोग हैं वो यही समझिए कि व्यापार एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे कोई एक दूसरे को कुछ भी बताता नहीं है। कोई भी व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि कोई नया व्यापारी व्यापार में आए, क्योंकि उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। और ये एक जगह था जहाँ पे लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने इस जगह को महसूस किया, और मैं पिछले 2 साल से अधिक 752 एपिसोड अब तक लाइव का हो चुका है, तो 2 साल से अधिक कह सकते हैं मैं इस काम को देख रहा हूँ। और इन 2 सालों में मैंने देखा है कि कई लोगों ने अपने असंगठित व्यापार को संगठित किया है। लोगों को जानकारी नहीं होती है GST के बारे में, MSME के बारे में, कैसे कारखाना चलाएं, क्या क्या दिक्कत होती है कारखाना चलाने में। बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में कोई किसी को बताता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो मुख्य वजह है कि कोई भी व्यापारी सर इस तरह का YouTube में लाइव नहीं करता है, ना वीडियो बनाता है। वे बस अपने व्यापार को देखता है और अपनी व्यापार की सारी सीक्रेट्स को वे अपने जो आने वाले जनरेशन होता है उसको ट्रांसफ़र करता है। चाणक्य ने भी कहा था कि व्यापार के सीक्रेट्स को शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मेरा व्यापार ख़त्म हो गया तो सर मैंने इसी काम को
शुरू कर दिया और व्यापार के एक एक सीक्रेट्स को, जो मेरा व्यापारिक अनुभव था पिछले 42-43 साल का, जो एक्सपीरियंस व्यापार से मुतल्लिक, क्योंकि मैंने जो भी काम किया है पिछले 42-43 सालों के अंतराल में, वे सभी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम किया है। मैंने कभी भी किसी का माल लेके बेचने की कोशिश नहीं की है। तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं डेली रात मंडे से फ्राइडे के बीच रात 9 से 10 बजे के बीच मैं यूट्यूब में लाइव आता हूँ, एक घंटा रहता हूँ। और इस बीच में जो भी लोग जिस तरह का भी प्रश्न व्यापार से जुड़ा हुआ हो लोग पूछते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं जितना भी हो सके, एक से भला दो होता है, उनकी मदद की जाए। देखिए, मेरा घर भी सोलर प्लेट से चलता है और ये 5 किलोवाट का सोलर प्लेट है। तो सूर्य की उपासना, तो सही पूछिए कि सूर्य की शक्ति से ही मेरे घर में बिजली का संचरण होता है। सूर्य का महत्व बहुत बड़ा है और ये पर्व बिहार से शुरू हुआ और आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। चलिए, रात 9 बजे लाइव से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।